क्वेश्चन है, ये नेट, सुपर टेट, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीसी, यहाँ तक कि यूपीएससी में भी पूछा गया है। इसका आंसर स्टूडेंट्स इतने ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे कि दे ही नहीं पा रहे थे। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये कहाँ से आ गया, ये तो कुछ नया टॉपिक है, उनको ऐसा फील हो रहा था। आज हम लोग बात करने वाले हैं साइकोलॉजी के एक ऐसे हिडन जेम के बारे में, एक ऐसे हिडन टॉपिक के बारे में जिसने स्टूडेंट्स का माथा पिटवा दिया। वो सोच में पड़ गए कि ऐसा कैसे हो गया, उनका वो दो नंबर था वो जो चला गया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू साई जनेश। मोटिवेशन की साइको एनालिटिक थ्योरी एक ऐसी हिडन थ्योरी है जिसके बारे में स्टूडेंट्स ने कभी फोकस ही नहीं किया। उन्होंने इसको रीड किया, ऑफकोर्स उन्होंने इसको रीड किया, बट उस पर उतना फोकस नहीं किया, इसलिए इसे मैंने हिडन जेम और साइकोलॉजी की हिडन थ्योरी कहा। मोटिवेशन में आप सोच भी नहीं सकते कि क्या सिगमंड फ्रायड ने मोटिवेशन में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, क्या ड्राइव की थ्योरी में भी सिगमंड फ्रायड इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उन्होंने साइको ड्राइव की साइकोएनालिटिक थ्योरी दी है। जी हाँ, फ्रायड ने ड्राइव की साइकोएनालिटिक थ्योरी प्रपोज की है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ड्राइव थ्योरी को साइकोएनालिटिक मैग्नीफाइंग ग्लास से देखने की कोशिश की है। जी हाँ, हम लोग इंस्टेंट थ्योरी के बारे में तो पहले से ही जानते हैं, जिसमें उन्होंने फोर सोर्सेस ऑफ इंस्टेंट बताए और उसमें तीन जो साइकोलॉजिस्ट थे उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। बट आज हम लोग बात कर रहे हैं मोटिवेशन की साइको एनालिटिक ड्राइव थ्योरी के बारे में, या फिर आप कह सकते हैं कि ड्राइव साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। फ्रायड ने दो तरह के ड्राइव्स, या फिर ये कह सकते हैं कि दो तरह के अपोजिट इंस्टेंट को प्रपोज किया। यहाँ पर हम इंस्टेंट ड्राइव के लिए ही यूज करेंगे, तो अगर मैं वीडियो में इंस्टेंट यूज करूँ तो आप समझिएगा इसका रिलेशन ड्राइव से ही है, या फिर मैं ड्राइव को इंस्टेंट ही बोल रही हूँ। तो फ्रायड ने दो अपोजिट इंस्टेंट या फिर दो अपोजिट ड्राइव्स बताए और कहा कि जो भी बिहेवियर होता है वो इन्हीं दो अपोजिट इंस्टेंट या दो अपोजिट ड्राइव्स के कारण होता है। ये दो इंस्टेंट हैं, लाइफ इंस्टेंट और डेथ इंस्टेंट। लाइफ इंस्टेंट का पावर हाउस लिबिडो होता है और लिबिडो को सेक्सुअल एक्टिविटीज के लिए ज्यादा जाना जाता है, इसलिए फ्रायड कहते हैं कि सेक्स एंड एग्रेसिवनेस ये दो बेसिक मोटिव, दो मेजर मोटिव होते हैं, और इनका जो फॉर्मेशन होता है ये जब हम छोटे होते हैं बचपन में ही हो जाता है, यानी कि वो अपने स्थान पर बचपन में ही डेवलप होना शुरू हो जाता है, फॉर्म हो जाता है, बट उसको पूरा आकार लेने में थोड़ा सा समय लगता है। यस, ये बेसिक क्वेश्चन है कि ये सोचने वाली बात है कि अगर ये दोनों जो बेसिक मोटिव्स हैं अगर इनका फॉर्मेशन बचपन में ही हो जाता है तो बच्चे उसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, कैसे पता चलता है कि ये जो बेसिक मोटिव्स हैं ये एक्सप्रेस हो रहे हैं, किस तरह से एक्सप्रेस होते हैं। तो जब बच्चों के या किसी बॉडी के किसी सेंसिटिव रीजन को स्टिमुलेट किया जाता है, उसको रगड़ा जाता है, तो सेक्स की एक्सप्रेस होता है। जबकि जब काटा जाता है, बच्चों द्वारा काटा जाता है, नोचा जाता है, कुछ तोड़ा जाता है, इस तरह का जो बिहेवियर किया जाता है उसके थ्रू एग्रेसिवनेस की एक्सप्रेशन होता है। लाइफ इंस्टेंट का रिलेशन आपकी लाइफ में होने वाले पॉजिटिव और क्रिएटिव वर्क से होता है। अगर आप अपने लाइफ में किसी चीज का वैल्यू ऐड कर रहे हैं, कुछ ऐड कर रहे हैं, कुछ कंस्ट्रक्टिव काम कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं, तो इन सबको आप लाइफ इंस्टेंट कह सकते हैं, लाइफ ड्राइव कह सकते हैं। जबकि डेथ इंस्टेंट का रिलेशन जो होता है वो डिस्ट्रक्टिव वर्क से होता है। जो कुछ भी बुरी चीजें लाइक नेल्स को बाइट करना, किसी को मारना, किसी तरह का फ्रस्ट्रेशन निकालना, या कुछ पीटना, कुछ तोड़ना, कुछ भी रैश ड्राइविंग करना, कुछ भी, ये सारी चीजें जो हैं ये डेथ इंस्टेंट का एग्जांपल होती हैं। फ्रायड कहते हैं कि जब पेरेंट्स बच्चों के इन दोनों एक्सप्रेशंस को ब्लॉक करने की या फिर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो बच्चों में ये दोनों मोटिव से रिप्रेस हो जाते हैं और उनके अनकॉन्शियस में चले जाते हैं। ये लग रहा है ना कॉन्ट्रडिक्टरी, इसीलिए जब भी फ्रायड ने इस थ्योरी को प्रपोज किया था इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी, जितने भी साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने इसे सिरे से नकार दिया था। बट कुछ नियो फ्राइडियन भी हुए जिन्होंने इस चीज को थोड़ा सा अलग तरह से एक्सप्रेस किया, जिसके बारे में हम अलग थ्योरीज में बात करेंगे। इन अनकॉन्शियस मोटिव्स का एक्सप्रेशन ड्रीम्स के थ्रू और मेंटल इलनेस के थ्रू होता है। आपने देखा होगा कि वो सारी फैंटेसीज जिनको आप ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं वो आपके माइंड में चलती हैं या फिर आपके ड्रीम्स में आती हैं। और रही बात मेंटल इलनेस की, तो बिल्कुल सही है कि जब चीजें आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं, हमारा कॉग्निशन इस लेवल तक हाई हो जाता है या डिसबैलेंस हो जाता है कि हम उन चीजों को फैंटेसाइज करना शुरू कर देते हैं जो कि रियलिस्टिक नहीं होती हैं। तो ये जो उन्होंने कहा कि अनकॉन्शियस मोटिव्स का एक्सप्रेशन ड्रीम के थ्रू होता है
और मेंटल इलनेस के थ्रू होता है कन्वर्जन। अगर आपको डिसऑर्डर के बारे में जानकारी है तो आप यहाँ पे ट्राइड की जो लाइन है, ये जो टैग लाइन है, ये इसको उससे रिलेट कर सकते हैं। कन्वर्जन डिसऑर्डर है चाहे फोबिया है, तो ये जो रिप्रेस मोटिव्स थे इन्हें ही अनकॉन्शियस मोटिव्स या अनकॉन्शियस मोटिवेशन कहा गया। हेलुसिनेशन, स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और इसके साथ ही साथ फ्यूज, ऐसे बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं जिन जो कि वास्तव में फ्राइड ने जिन पर इन अपने 40 इयर्स के क्लिनिकल एक्सपीरियंस के बाद इन जो पॉइंट्स को पॉइंट आउट किया, ये बिल्कुल सही बात है। इसीलिए फ्राइड की जो थ्योरी है बहुत ज्यादा एप्लीकेबल है मेंटल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए। इतना तो क्लियर है कि फ्राइड ने ये जो बेसिक मोटिव्स थे या जो ड्राइव, बेसिक ड्राइव्स हैं, टू ड्राइव्स बताएं, ये इनबर्न होती हैं। बट कुछ ऐसे भी थ्योरीज हैं ड्राइव की जो कि बोलती हैं कि ड्राइव जो होता है एक्वायर्ड बिहेवियर होता है, पर्सन उसको अपने पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पर सीखता है और इस पर ट्रेनिंग का भी इफेक्ट होता है। तो आज का क्वेश्चन ये है कि वो कौन से दो मोटिव्स हैं जिन्हें फ्राइड ने प्रपोज किया था, वो कौन से दो ड्राइव्स हैं जिन्हें फ्राइड ने प्रपोज किया था, और वो कौन से दो इंस्टेंट है जिसे फ्राइड ने प्रपोज किया था। तो किस मैं आपसे बहुत हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करिए। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए। टिल देन किसी भी क्वेरीज के लिए हमें मेल करिए, कमेंट सेक्शन पर जाकर के कमेंट करिए, चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। टिल देन खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।